हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में। जो नेटवर्क लेयर है वो हमारी ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर है, बॉटम से। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि जो नेटवर्क लेयर है उसके क्या क्या फंक्शनलिटीज है या उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है हमारा होस्ट टू होस्ट और सोर्स टू डेस्टिनेशन या फिर मशीन टू मशीन डिलीवरी की। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ये नेटवर्क ए है, ठीक है, नेटवर्क ए है और नेटवर्क बी है। ठीक है, सो नेटवर्क जो हमारा नेटवर्क ले रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब जो हमारा होस्ट है उसने कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया तो उसका काम है कि इसको इसके पास भेजना, ठीक है, डेस्टिनेशन तक भेजना। ये काम किसका है? हमारा नेटवर्क लेयर का। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। इसमें आता है लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस होता है वो किन किन का यूज में होता है? इसमें नेटवर्क का और होस्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब ये हमारा नेटवर्क ए है पूरा, ठीक है, ये नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी है, इसमें क्या होगा? जब ये हमारा होस्ट है ये किसी भी डेटा को भेजेगा, ठीक है, रिसीवर को, तो जो डेटा है हमारा वो कहाँ पर जाएगा? स्विचेज से होते हुए हमारा राउटर के पास आएगा। अब राउटर क्या डिसाइड करेगा कि पहले तो ये देखिएगा कि कौन से नेटवर्क में जाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक नेटवर्क और है, इसका नाम हमारा सी, ठीक है, यहाँ पर एक नेटवर्क और है, इसका नाम क्या है? सी। तो राउटर ये डिसाइड करेगा इसको किस नेटवर्क में भेजना है, सी में भेजना है या फिर बी में भेजना है। तो हमें कहाँ पर भेजना है? बी में। तो ये जो राउटर है वो क्या करेगा, हमारे जो आईपी एड्रेस है नेटवर्क बी की उसको क्या करेगा, हैंडल करता है, यानी कहाँ पर भेजना है। एक तो इसके इसके पास कौन सी आईपी एड्रेस होती है, जो हमारे नेटवर्क बी जो होती है उसकी आईपी एड्रेस यानी कि इस वाले राउटर की। ठीक है, अब दूसरी जो आईपी एड्रेस होती है वो किसकी होती है? वो होती है हमारे रिसीवर की। इस और इसी ऐसे ही हमारा जो डेटा है वह सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब देखते हैं इसमें राउटिंग की। अब राउटिंग क्या होता है, बेसिकली राउटिंग को देखते हैं। इसमें राउटिंग क्या हमारा कि जब हमारा होस्ट ए है इसने डेटा भेजा, ठीक है, सो डेटा यहाँ रिसीवर के जहाँ पर जब यहाँ पर राउटर के पास आएगा तो राउटर ये डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा वो पाथ सेलेक्ट करना है जिससे कि हम डेटा को सबसे छोटे पाथ से भेज सके। यानी कि यहाँ पर मान के चलते हैं एक राउटर और है, यहाँ पर इधर और है, ठीक है, तो राउटर डिसाइड करेगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, वहां पर जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो उसको सेलेक्ट करके फिर वहां पर चला जाएगा। तो ये होता है हमारा राउटिंग का। और इसमें हम जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी यूज करते हैं, आरआईपी और यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर ओएसपीएफ आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ओएसपीएफ, डीएसपी नहीं आएगा, ओएसपीएफ आएगा, ठीक है, तो इसको सही कर लेना। ये जो दो टेक्निक है जो हम इसमें यूज करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हमारे जब भी जो हमारा राउटर है ये डेटा सेंड करेगा तो यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर से समझ में आएगा, यहाँ पर, ठीक है, जब डेटा हमारा इस राउटर के पास आ गया और ये राउटर क्या करेगा, उस डेटा को कहाँ पर भेजेगा, स्विचेस से होते हुए हमारे होस्ट के पास। तो जब होस्ट के पास जो डेटा आएगा, अगर मान लो होस्ट की जो कैपेसिटी है रिसीव करने की वो क्या है, लो है, वो क्या है, लो, और जो हमारा स्विचेज है उसकी क्या कैपेसिटी, हाई है भेजने की। तो अगर जो स्विच है हमारा वो एक साथ ही पूरे डेटा को इसके पास सेंड कर देगा तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पूरा ही उस मैसेज से भर जाएगा और यह जो हमारा डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो स्विच है वो क्या करेगा, उस एक बड़े डेटा को, ये हमारा बड़ा डेटा है, इसको क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा किसमें, फ्रेगमेंट में, और फिर उसको एक एक करके इसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये होता हमारा फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा लास्ट है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्रेगमेंटेशन क्या था वो उसको टुकड़े करके भेजता है, ठीक है। कंजेशन में क्या होता है कि अगर ये एक साथ ही उसको भेज देगा, ये पैकेट को एक साथ इसको भेज देगा, तो कंजेशन तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की,
तो इसलिए ये कंजेशन भी कंट्रोल करता है, एक साथ डेटा को नहीं भेजता है, ठीक है। तो यही थी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।